अगर आपकी याददाश्त चली जाए तो क्या आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो? आज की हमारी मूवी सीक्रेट ऑब्सेशन ये 2019 की मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी है। ये इसी थीम पर बेस्ड है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जेनिफर, ये किसी से भाग रही है। ये फोन बूथ पर हेल्प के लिए कॉल करने की भी कोशिश करती है पर कोई भी आंसर नहीं करता। जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो वहाँ भी आ गया। वो भागते भागते फिर एक पब्लिक वॉशरूम में आ गए। जेनिफर ने बहुत ही चालाकी से जो आदमी उसका पीछा कर रहा था इसे बाथरूम में बंद कर दिया। वो फिर भागते भागते अपनी गाड़ी तक आती है। गाड़ी उसने स्टार्ट की और बारिश आ रही थी, इसी वजह से उसकी गाड़ी धस चुकी थी। उसका पीछा करने वाला अब बाहर निकल चुका था। जेनिफर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और वो भागने लग गई। भागते भागते रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हेल्प की और हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया। जब वो घायल थी तो अपने हस्बैंड के साथ उसकी जो भी मेमोरीज थी ये सब उसे याद आती है। उसकी सर्जरी वगैरह स्टार्ट होती है और थोड़ी देर में उसका हस्बैंड जिसका नाम है रसल ये वहाँ पहुँचता है। रसल ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। रसल को एक नर्स आकर कहती है, आपकी वाइफ के ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग थी, इसी वजह से शायद उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। सर्जरी होने के बाद सुबह हो गई पर जेनिफर को अभी भी होश नहीं आया। रसल उसके पास आता है, कहता है कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव फ्रैंक को देखते हैं। ये जेनिफर की ही केस का डिटेक्टिव है। फ्रैंक के डॉटर का आज बर्थडे था तो उसके लिए वो गिफ्ट बाय कर रहा था। इसके बाद वो रसल से मिलने के लिए आया। वो रसल से पूछता है जेनिफर घर से इतनी दूर रात में कर क्या रही थी। रसल कहता है कि वो ग्रोसरीज लेने के लिए गई थी। एक घंटा हो गया वो वापस नहीं आई। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की पर कोई भी आंसर नहीं आया। फ्रैंक उसे पूछता है कि तुम दोनों के मैरिज में कोई प्रॉब्लम थी। रसल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने अभी अभी शादी की थी, माउंटेन्स में ब्यूटीफुल सा घर लिया था, शांति से हम रह रहे थे। फ्रैंक जब घर पर आता है तो हमें पता चलता है फ्रैंक की बेटी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। हर साल वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट बाय करता है और क्लोजेट में रख देता है। वो अपनी खुद की बेटी की केस सॉल्व नहीं कर पाया था, उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर को होश आ चुका है। डॉक्टर रसल से बात कर रहे थे, उसे कहते हैं कि जेनिफर को बेसिक सी चीज़ें सब याद रहेगी, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसका एजुकेशन वगैरह सब कुछ, सिर्फ वो तुम्हें भूल चुकी है, तुम उसकी रिसेंट मेमोरी थे, इसी वजह से ऐसा है। रसल फिर जेनिफर के पास आया, उसे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। रसल उसे बताता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जेनिफर को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जेनिफर फिर अपनी रिंग नोटिस करती है। रसल उसके पास आया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया, उसे समझाता है कि जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इस सिचुएशन का सामना हम दोनों मिलकर करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिस गाड़ी से टकरा कर जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था उस ड्राइवर को फ्रैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फ्रैंक उससे पूछता है क्या उस दिन तुमने जेनिफर की गाड़ी देखी थी। वो कहता है कि पार्किंग में एक व्हाइट पिकअप ट्रक इसी गाड़ी को लेकर जा रहा था। यानी कि फ्रैंक को यह पता चलता है कि जेनिफर की गाड़ी को किसी ने गायब कर दिया है। पुलिस को लग रहा था कि जेनिफर का नॉर्मल सा एक्सीडेंट हुआ, पर अब फ्रैंक को लगता है कि जेनिफर को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इस केस को वो सही से परस्यू करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रसल जेनिफर को उसके सब फोटोज दिखा रहा था, उसकी मेमोरी फिर से लाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों कैसे मिले इसकी स्टोरी भी उसे सुनाता है। कहता है हम दोनों एक जापानीज प्लेस पर गए थे पर एक चीज़ से मैं एलर्जिक था, उसी दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जेनिफर इस पर बहुत हंसती है। इसके बाद जेनिफर कहती है मेरे पेरेंट्स को तुम इन्फॉर्म कर दो, वो बहुत ही वरीड होंगे। रसल शांत हो गया, कहता है तुम्हारे पेरेंट्स 3-4 साल पहले ही गुजर गए। इसके बाद एक आदमी हॉस्पिटल में आता है, ये जेनिफर पर नज़र रख रहा था। वो जेनिफर से मिलना चाहता था पर जेनिफर की वो फैमिली नहीं है इसलिए उसे अंदर आने नहीं दिया। वो फिर वहाँ कुछ फूल छोड़कर जाता है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और जेनिफर की रिकवरी स्टार्ट होती है। वो अभी भी व्हीलचेयर में ही थी और उसे अच्छा लगने लग गया था। रसल फिर उसे अपने घर लेकर आता है। ये बहुत ही बड़ा घर है तो ये देखकर वो सरप्राइज्ड होती है। इस घर में रसल और उसके सब फोटोज वगैरह वो देखती है। सब जगह वो देख रही थी तभी एक जगह पर कोई उसे मारने की कोशिश करता है, ये मेमोरी उसकी वापस आई। उसे कौन मार रहा था ये अब तक उसे पता नहीं है।
जेनिवर को जल्द से जल्द उसका जो प्रीवियस रूटीन था ये फिर से कंटिन्यू करना है। रसल फिर उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट डे रसल को फ्रैंक का कॉल आया। फ्रैंक जेनिवर से उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। रसल फ्रैंक से कहता है कि वो अभी अभी रिकवर कर रही है, उस पर ज़्यादा ट्रेस देना यह अच्छा नहीं होगा। फ्रैंक कहता है मैं उसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, ज़्यादा उसे स्ट्रेस नहीं आएगा। उसे उसने कल 11 बजे बुलाया हुआ है। ये जो सब बातें चल रही थी ये जेनिफर ऊपर से सुन रही थी। जब वे डिनर करते हैं तो इसके बारे में जेनिफर रसल से पूछती है कॉल किसका था। रसल कहता है कि बहुत दिनों तक मैंने छुट्टी ली थी इसलिए ऑफिस से कॉल आया हुआ था। जेनिफर पूछती है क्या मेरे ऑफिस से कुछ भी कॉल नहीं आया। रसल कहता है कि तुम अब काम नहीं करते, हम दोनों फैमिली स्टार्ट करने वाले थे, तुम्हारा घर पर रहना एक अच्छा सोल्यूशन था, तुम्हें भी यहाँ रहना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। जेनिफर को यह सब बातें अजीब लगती है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो जॉब भी नहीं करती। उससे पूछती है क्या हम खुश थे। रसल कहता है ऑफकोर्स हम खुश थे। जेनिफर भी बोलती है कि मेरे फ्रेंड्स तो होंगे। रसल कहता है कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड है जो हवाई गई हुई है, जब वो वापस आएगी तब उससे तुम बात करना। हमने प्रीवियसली देखा था कि जेनिफर के बारे में कोई आदमी इंक्वायरी कर रहा था, अब रसल को उसके बारे में पता चल चुका है तो उसके पास वो पहुंचता है। आदमी रसल को बोलता है कि तुम कौन हो। कहता है मैं जेनिफर का हस्बैंड हूँ। एक डंडे से उसे मार डालता है। रसल ने फिर उस आदमी की बॉडी अपने ट्रंक में डाली और अपने हाउस के बाहर गाड़ दिए। रात में डिगिंग की आवाज़ आ रही थी तो जेनिफर की नींद खुल गई, उसके पास कहीं भी रसल था नहीं। अगली सुबह जहाँ पर रसल ने बॉडी गाड़ी हुई है यही बस जेनिफर देख रही थी। उसे बहुत ही अजीब लगा था। जेनिफर के पास उसका फ़ोन भी नहीं है, इसके बारे में वो रसल से पूछती है। रसल कहता है तुम्हारा फ़ोन एक्सीडेंट में गुम हो गया था, मैं जब टाउन में जाऊंगा तब तुम्हारे लिए नया फ़ोन बाय कर लाऊंगा। आज फ्रैंक ने रसल को जेनिफर के साथ आने के लिए कहा था पर वो दोनों नहीं आए। ये फ्रैंक को बहुत ही सस्पिशियस लगता है। वो फिर अपने डेटाबेस में रसल का नाम डालता है पर रसल के नाम से उनके डेटाबेस में कोई भी नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद फ्रैंक डायरेक्टली हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि रसल ने उसका एड्रेस कौन सा दिया था। जेनिफर घर पर अपने सब ओल्ड एल्बम देख रही थी। रसल के साथ उसकी जो भी सब मेमोरीज थी ये थोड़ी थोड़ी कर उसे वापस आने लग गई है। एक फ़ोटो में वो बहुत ही अजीब सी चीज़ नोटिस करती है। रसल के फ़ोटो में हेयर्स वाइट है पर उसके मिरर रिफ्लेक्शन में ब्लैक दिख रहे हैं। उसे बहुत ही सस्पिशियस लगा। वो नीचे आई और रसल के सब फोटोज देखने दिखने लग गए। उसका लैपटॉप भी चेक करने वाली थी तभी रसल वहाँ पहुँच गया। उसने उसके लिए नया फ़ोन बाय किया है। यहाँ इस फ़ोन में कोई भी रेंज भी नहीं है। वो पूछती है तो रसल कहता है कि हम माउंटेंस में हैं, यहाँ यही प्रॉब्लम होता है। फ्रैंक ने हॉस्पिटल से रसल का पता निकलवाया है। वो जब उस पते पर पहुँचता है तो रसल वहाँ कहीं भी नहीं रहता, यहाँ पर कोई और ही रहता है। रात में जब जेनिफर और रसल सो रहे थे तो रसल उससे कहता है कि स्लोली स्लोली तुम्हारी सब मेमोरीज वापस आएगी, हमारे पास बहुत सारे दिन हैं न्यू मेमोरीज बनाने के लिए। वो आज रात जेनिफर के साथ इंटीमेट होना चाहता था पर जेनिफर को कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है इसकी मेमोरी वापस आई। वो डिस्टर्ब हो गए, उसके साथ वो आज रात इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। इस पर रसल चिढ़ गया, कहता है मैंने तुम्हारे हर वक्त साथ दिया है, पूरी रिकवरी में मैं बहुत ही पेशेंट था, तुम मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रही हो। गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। बाद में हम देखते हैं कि रसल ने जेनिफर के बेडरूम में भी कैमरे लगाए हुए हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं ये सब वो देख सकता है। फ्रैंक को अब रसल के बारे में कुछ भी लीड्स मिल नहीं रही तो हॉस्पिटल में फिर से कॉल करता है। वहाँ के पार्किंग लॉट के सिक्योरिटी फुटेज वो निकालने के लिए कहता है। जब उसे मिल जाता है तो नोटिस करता है रसल के पास व्हाइट पिकअप ट्रक है। ये वही ट्रक है जिसने जेनिफर की गाड़ी को गायब किया था। उसे बहुत ही शॉक लगा क्योंकि जेनिफर के एक्सीडेंट के पीछे रसल ही है। नेक्स्ट सुबह रसल जेनिफर के पास आता है। उसने कल रात जो भी किया इसके लिए सॉरी कहता है। फ्रैंक अब जोरों से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जेनिफर के बॉडी पर एक टैटू है, इसके फोटोज उसके पास थे। वो फिर एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया, इसके बारे में उसने उससे इंक्वायरी की। इस टैटू में एक नाम छुपा हुआ था। ये नाम जब फ्रैंक ने अपने डेटाबेस में डाला तो उसे जेनिफर के फादर और मदर के घर का पता मिल गया। ये रात में वहाँ देखने के लिए जाता है तब नोटिस करता है कि बहुत दिनों से वहाँ कोई भी रह नहीं रहा। अंदर घुसकर उसने बेडरूम में नोटिस किया कि जेनिफर के दोनों पेरेंट्स को मार डाला गया है।
जेनिफर को फिर से रात में उसे कोई मार रहा है इसके सपने आए। उसे अब रसल पर थोड़ा थोड़ा शक होने लग गया है, तो उसके सब पॉकेट्स वगैरह वो चेक कर रही थी। उसका वॉलेट निकाल कर उसने छुपा दिया। रसल जब घर से बाहर निकला तो वो नोटिस करती है रसल ने घर को बाहर से बंद कर दिया है। जेनिफर ने फिर एक पिन से अपना डोर अनलॉक किया। वो नीचे गई और रसल का लैपटॉप उसने चेक किया। इस लैपटॉप में वो उसके सब फोटोज देखती है। इसमें उसे पता चलता है जिस आदमी के साथ वो रह रही है उसका हस्बैंड रसल है ही नहीं। उसका हस्बैंड तो कोई अलग था। जिसके साथ वो रह रही है वो एक्चुअल में उसके साथ ऑफिस में काम करता था। उसने जेनिफर के हस्बैंड के फोटोज में अपना फेस मैच कर दिया था। इसके पैरेलल की सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक भी जेनिफर के ऑफिस में पहुंच चुका है। वहां का एक एम्प्लॉय जेनिफर के बारे में उसे सब कुछ बता रहा था। उनके ऑफिस की फोटो उसने नोटिस की और फ्रैंक को पता चल गया कि ये सब क्या चल रहा है। उसे यहाँ से जेनिफर के साथ जो रह रहा है उसका नाम रायन है ये भी पता चला। जेनिफर बहुत ही डर गई थी और अब वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसके मोबाइल में कुछ भी रेंज नहीं थी। उसने अपने मोबाइल को खोला तो उसका सिम का स्लॉट ही जला दिया गया था। वो जब चलते चलते गार्डन में आई तो एक आदमी की बॉडी भी उसे मिल गई। अचानक से रायन वहां पहुंच गया था। उसने जेनिफर को बेहोश कर दिया। वो फिर जेनिफर को उसके बेडरूम में ले जाकर उसके पैर बांध देता है। उसे कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन लो, अच्छे से रेस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रायन कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए सिटी में आया हुआ था। वहां पर उसे हॉस्पिटल की नर्स मिली। नर्स रायन से कहती है कि जेनिफर का रूटीन चेकअप था, इसके लिए तुम आए ही नहीं। रायन उसे इग्नोर कर जल्दी से वहां से चला जाता है। घर पर जेनिफर बंधी हुई थी। उसने अपने आप को फ्री करने की कोशिश की और फाइनली वो सक्सीड हो गई। वो जल्दी से अपनी गाड़ी तक पहुंचती है। वहां उसे उसका फोन भी मिल गया। वो बहुत ही लेट हो गई और रायन वहां पहुंच चुका था। जेनिफर की गाड़ी के ट्रंक में हम उसके हस्बैंड की बॉडी देखते हैं, यानी कि रायन ने रसल को मार डाला है। ऑफिस से फ्रैंक ने अब रायन का पता निकाला और वो नीचे आ चुका है। फ्रैंक आसपास सब चीजें नोटिस करता है और जेनिफर की गाड़ी भी उसे मिल जाती है। जेनिफर ने फ्रैंक का आवाज सुना तो वो भी नीचे उसकी हेल्प मांगने के लिए आ रही थी। फ्रैंक ने जेनिफर को नोटिस किया तभी रायन ने फ्रैंक को बेहोश कर डाला। रायन फिर से जेनिफर को धमका रहा था। जेनिफर उससे पूछती है तुम हो कौन। रायन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जेनिफर के पैर पर चोट है इसे उसने जोर से दबाया, यानी कि वो कहीं भी ज्यादा मूव नहीं कर पाए। रायन जेनिफर को बेडरूम में बांध देता है। उसे कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया है। जेनिफर कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मरना नहीं है। रायन कहता है कि ये सब अब हमारे हाथ में नहीं है। वो कन्फेस करता है कि वो हमेशा जेनिफर से प्यार करता था। जब रसल के साथ वो रिलेशनशिप में थी तो हमेशा उन पर वो नजर रखता था। जेनिफर को क्या पसंद है क्या नहीं ये सब उसे मालूम था। तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए था। जब तुमने उससे शादी कर ली तो उसकी डे थी मेरे लिए एक वे था। रायन ने फिर रसल को मार डाला पर जेनिफर ने उसे नोटिस कर लिया था। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे था तभी जेनिफर का एक्सीडेंट हो गया। अब रायन जेनिफर को भी मार डालने वाला है। रायन ने फ्रैंक को बेहोश कर एक रिफ्रिजरेटर में डाल दिया था। थोड़ी देर में रायन को होश आ गया। जेनिफर रायन से कहती है कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करते थे तो कभी कुछ बताया क्यों नहीं। रायन कहता है रसल हमेशा हमारे बीच में आ गया। जेनिफर उसे समझाती है, कहती है कि प्यार करने में टाइम लगता है। वो भी रायन से कुछ टाइम मांगती है। वो कहती है कि मैं थर्स्टी हूँ, मेरे लिए कुछ लेकर आओ। रायन जब नीचे गया तो जेनिफर ने आसपास एक लाइटर ढूंढा। इस लाइटर से उसने रोब्स जला दिए। रायन जब रूम में आता है तो जेनिफर उसके सर पर वार करती है, उसे रूम में लॉक कर नीचे आ जाती है। वो वहां से भाग रही थी। रायन ने भी दरवाजा तोड़ दिया है। वो जेनिफर के पीछे पीछे आता है। जेनिफर उसे मारने की फिर से कोशिश करती है पर इस बार फेल हो जाती है। रायन ने उसे पुश किया और वो घायल हो गए। वो उसे गन से मारने ही वाला था तभी फ्रैंक ने आकर उसे बचा लिया। रायन और फ्रैंक में फाइट हुई। जेनिफर के पास गन आ गई थी तो इसी गन से उसने रायन को मार डाला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और जेनिफर ये दोनों अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गए हैं। फ्रैंक की बेटी का केस वो खुद सॉल्व नहीं कर पाया तो जेनिफर को बचाकर वो अब मूव ऑन कर सकता है। एक नई सिटी में एक नई लाइफ वो स्टार्ट करने वाला है। लास्ट में एक दूसरे से मिले और गुड बाय कह रहे थे। रसल ने जेनिफर के लिए एक नोट लिखा था। ये नोट फ्रैंक को उसके ऑफिस में मिला। वो जेनिफर को दे देता है। ये लेटर उसने जेनिफर से शादी करने से पहले लिखा था। उसमें लिखा है
कि हम दोनों अब हमारी लाइफ एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। अब हमारी लाइफ में कुछ भी हो, पर एक चीज़ याद रखना, हम दोनों के सब मोमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। तुम्हारे साथ मेरी लाइफ की सबसे हैप्पी मेमोरी थी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। यही रसल का वेडिंग प्रपोजल था। ये पढ़कर जेनिफर अब मूव ऑन करती है। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।